हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों किसी ने ये एक एम्पलीफायर बनाया रेडी कर करके। इसमें क्या है, ये हमारा दोस्तों 100+100 का हमारा डीसी सिस्टम है। डीसी सिस्टम जैसे अपना दोस्तों ट्रैक्टर में चलाया जाता है, ट्रक में चलाया जाता है, ये किसी ने बना लिया। अब नए के अंदर ही इसमें ऐसी समस्या आ गई कि थोड़ी सी वॉल्यूम करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बजता, कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसे ही आवाज़ को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ करते हैं तो स्पीकर अपने आप भुक 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 भुक, मतलब अपने आप ही मंदी तेज होने लगता है अपने आप ही आवाज़, ठीक है। और ये एम्पियर ज़्यादा हैवी लेने लगता है। तो दोस्तों एक तो प्रॉब्लम होती है कि भाई आपका सेट बिल्कुल तैयार है, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तैयार कर रहे हैं सेट को नए को, उसमें ऑटोमेटिक ही वहाँ से बोर्ड में से प्रॉब्लम आई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रिपेयर करना। तो दोस्तों आज यही चीज़ बताएंगे, ठीक करके दिखाएंगे आपको इसमें क्या प्रॉब्लम। देख सकते हो बिल्कुल सेटअप नया बना रखा है किसी ने जुगाड़बाजी करके, ये बॉडी शॉडी भी नहीं लगा रखी है इसमें। तो ये इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और ये इसका प्री एम बोर्ड है यहाँ पे, और कनेक्शन वनेक्शन बिल्कुल देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, तो पहले मैं दोस्तों आपको चला के दिखाना चाहूंगा कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्पीकर कनेक्ट कर रखा है। अब मेरे भाई ये बहुत से कमेंट करने लगे जो एक्सपर्ट मैकेनिक मानते हैं कि भाई इसमें आप छोटे स्पीकर चला रहे हो तो ये दिक्कत करेगा, ये हाई एम्पियर लेगा। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, हालांकि एम्पियर ले सकता है ज़्यादा, एक दो एम्पियर फालतू ले सकता है छोटे स्पीकर चलाने पर, क्योंकि इसके वाटेज कोयल जो छोटी होती है, तो दोस्तों एक आधा एम्पियर फालतू ले सकता है, लेकिन स्पीकर में आवाज़ की क्वालिटी वही रहनी चाहिए जो आपके बड़े में रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ प्लस का प्लस पे कनेक्ट है और माइनस का माइनस पे कनेक्ट है। मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये फॉल्ट, ये नया फॉल्ट बन के आया है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे एक स्पीकर कनेक्ट है, यहाँ पे दूसरा स्पीकर लगता है। तो मैंने बड़ा बॉक्स भी वहाँ पे, ये जो बॉक्स रखा हुआ है मेरे पास, मैंने वो भी चला के देख लिया था, वो सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए वीडियो बनाई जाए, उन्हें पता लगना चाहिए ना क्या फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों सप्लाई को ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पावर सप्लाई ऑन कर दी, 12.1 वोल्ट पे है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेट ही है हमारा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो सेट ऑन हो चुका है, मैं इसमें जरा भी सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर लिया और आवाज़ बढ़ा दी फोन से। तो अब मैं जरा यहाँ से, यहाँ से और बढ़ाता हूँ, ये देखिए इसमें भी आ रही आवाज़, देखिए ये देखिए, यहाँ तक बेस सही आएगी, ठीक है। अब मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा, देखिए मतलब यहाँ पे सिर्फ गाने की आवाज़ आई है, ये आज हम बढ़ाते हैं, देखिए ये देखिए, मतलब इसमें अब नॉर्मल आवाज पे तो ठीक है, जैसे तेज आवाज करता है भुक 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 इस तरह से करता है स्पीकर। और एम्पेयर अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मेरे पास एम्पेयर मीटर है, तो मैं इसको यहाँ पे लिया, एम्पेयर मीटर को कोई से एक वायर में डाल के छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब एम्पेयर देखना आप, ये देखना यहाँ पे एम्पेयर देखना दोस्तों, ये एक एम्पेयर तो वैसे ले रहा है। अब आवाज बढ़ाता हूँ, ये देखिए 8-9, मतलब जैसे बेस या आवाज बढ़ाता हूँ तो आवाज में मजा ही नहीं आता, पता नहीं लगता 8-9 एम्पेयर तक जा रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें ऐसा क्या फॉल्ट है, क्या इसमें फंडा है। चलिए दोस्तों करते हैं कैमरा सेट, अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों इसके वायर कनेक्ट डिसकनेक्ट कर लेने हैं, जो प्लस माइनस के हैं, यानी कि बैटरी के जो वायर हैं। उसके बाद में यहाँ से बोर्ड को कर लेना है ओपन, ये चिपका रखा है यहाँ से, तो चलो छूट गया। अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइट चिपका रखा है यहाँ से, देखिए ये भी छूट गया है ना, नॉर्मल सा है, ज़्यादा टाइट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हीट सिंह गर्म हो गई, जब एम्पियर ज़्यादा लेगा तो हीट सिंह तो गर्म होगी ही। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से ये देखिए 5219-43 किट है ये, और ये थोड़ा सा यहाँ से इस वायर को हमें इस तरह से कर लेना होगा, इसे थोड़ा सा हम बाहर ही निकाल लेते हैं बॉडी के अंदर से, इससे काम करने में आसानी हो। थोड़ा सा यहाँ से यहाँ कर लिया हमने, देखिए मेन प्रॉब्लम इसके अंदर है, उसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है बोर्ड में, प्रॉब्लम आती है, ये क्या जुगाड़बाजी कर रखी है, गिट्टी विट्टी लगा करके। चलिए जो भी है, तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ इसमें सिस्टम क्या है। पहले यहाँ देख लीजिए, इतना एरिया जो है ये सप्लाई सेक्शन है, इतना एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, यहाँ पे लेफ्ट चैनल है, यहाँ पे राइट चैनल है।
तो यहाँ पे ये ऑडियो के तार हैं, जो ऑडियो इसमें सिग्नल आता है, और ये हमारे लेफ्ट स्पीकर ये राइट स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों होता क्या है, यहाँ से 0 12 आएगी, और यहाँ से आउटपुट में दोस्तों 25 025 या 20 020, जिस हिसाब से सप्लाई डिजाइन करी होगी उस हिसाब से वोल्टेज निकल जाएगी। तो ये जो आप 3 पॉइंट देख रहे हैं ना, 1 2 3, ये यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे प्लस वोल्टेज, ग्राउंड और माइनस वोल्टेज, ये 3 वोल्टेज होती है, ठीक है। तो ये अब हमें वेरीफाई करनी होगी कि ये बिल्कुल करेक्ट आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है सॉन्ग प्ले करने पे तब करेक्ट आ रही है नहीं आ रही है, या ड्रॉप हो रही है तो कौन सी हो रही है। तो चलिए दोस्तों पहले यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं स्पीकर को, कोई से एक एक चैनल पे, कोई से भी में यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट करते हैं, और अभी इसमें दोस्तों वोल्टेज देंगे। और वोल्टेज दे करके सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा बिना आवाज बढ़ाए कि यहाँ जो वोल्टेज है बिल्कुल करेक्ट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मल्टीमीटर को लेंगे, मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। मल्टीमीटर मैंने ऑन कर लिया, अब मैं सेट को 12 वोल्ट दूंगा। यहाँ पे 12 वोल्ट देने के लिए मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे एम्पेयर मीटर भी साथ के साथ लगा के रखूंगा, ठीक है। साथ के साथ लगा के रखा, यहाँ पे प्लस मैंने कनेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे प्लस वायर को कनेक्ट कर लिया, और यहाँ माइनस वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ, और सेट को करता हूँ इसे ऑन। और सेट को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करनी होगी कौन सी। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि हमारी 12 वोल्ट बराबर आ रही है नहीं आ रही है। अभी आप ये समझो कि बराबर बराबर नहीं है, ये भाई ये कभी ऐसी कह रहे हो सर। तो ये देखिए दोस्तों, अभी दिखा दूँ, 12.54 वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी, हमारी जो 12 वोल्टेज के अंदर आ रही है। अब यहाँ से जो आउटपुट जा रही है इन चैनलों के लिए, क्या अभी बिल्कुल करेक्ट जा रही है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है वो तो नहीं है रीजन। तो एक ये मोटे वाला पॉइंट है, ये मोटे वाला, ये जम्पर एक तरह का, इसे काट के हम सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आगे फॉल्ट निकल जाए। तो पहली पिन हमने ग्राउंड पे रखी, दूसरी पिन हमने दोस्तों यहाँ पे रखी। तो दे देखिए दोस्तों भाई 44 वोल्टेज आ रहे हैं, 44.28 वोल्टेज। अगले पे देखता हूँ, -44, तो यानी कि 40 44 0 44 का ये पॉइंट है। अब पूरी चेक करता हूँ तो मैं कितनी आ रही है, जो देखिए 88 वोल्टेज आ रही है। अब मैं इसको ये देख लेता हूँ यहाँ पे आवाज बढ़ा करके कि वोल्टेज ड्रॉप कौन सी हो रही है। तो चलिए दोस्तों मैं कनेक्ट करता हूँ इसको और वोल्टेज बढ़ा कर देखता हूँ। तो मैंने सॉन्ग को प्ले कर लिया है, देखिए ये देखिए सॉन्ग प्ले हो चुका है। अब मैं आवाज बढ़ाता हूँ, ये देखिए 40, तो अभी ये दोस्तों बिल्कुल प्रॉपरली सही चल रहा है। दोस्तों इसमें से निकालने के बाद मैंने देखा कि ये बिल्कुल करेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर। ऐसा क्या है, या तो दोस्तों ये जो उसने यहाँ पे इस भाई ने इसी में अंदर सिस्टम में लगाया, या तो ये चीज कोई शॉर्ट हो रही हो आपस में, तब दिक्कत आ रही है। क्योंकि इसे लगाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये कुछ पॉइंटों में यहाँ पे मुझे स्पार्किंग लगी, एक तो देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पर, ये देखिए 2 पॉइंट आपस में यहाँ पे टच कर रखे हैं, ये 2 पॉइंट, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और अब ये वोल्टेज भी बिल्कुल सही दिखा रहा है, और स्पीकर भी ज्यादा भरभरा नहीं रहा। तो भाई जिस समय आप ये सब चीजें बनाते हो ना, जिस समय ये सब चीजें बनाते हो, तो ये जो पिने दिए गए होते हैं ना कोनों पे, ये पिने जो दिए गए होते हैं, तो भाई इन पे या तो कोई पेच कस के लंबा बना लिया करो, क्योंकि बॉडी से अपनी जो पीसीबी है कम से कम 1.5 इंची या 2 इंची उठा करके रखो भाई, ये आपके लिए एक मैसेज है। क्योंकि भाई ये जो नए मैकेनिक हैं जो बनाते हैं ना सेट को, वो ऐसे ही रख देते हैं पीसीबी को। तो होता क्या है, जो मोटी मोटी लैग होती है, जैसे मोटी लैग ये है, तो भाई आपस में शॉर्ट हो जाती है, तब दिक्कत बनती है। अब ये पीसीबी जो है बॉडी से टकराई हुई थी, तो हो रहा क्या था, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी और ये समस्या बना रहा था, हैवी एम्पेयर ले रहा था। अब ये ज्यादा एम्पेयर भी नहीं ले रहा, स्पीकर भी सही काम कर रहा है। चलिए आपको मैं फिर से दिखा देना चाहता हूँ एक बार, तो देखिए दोस्तों मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए तार हट गया था, सॉरी। ब्लूटूथ मोड पेयर्ड, तो मैं प्ले करता हूँ दोबारा से,
तो दोस्तों अब हमारा सेट बिल्कुल ओके है। बस मैं आपसे एक मैसेज यही देना चाहता हूँ आपको, जब भी आप ये चीज बनाओ ना, पूरा सेटअप रेडी करो, तो पीसीबी के नीचे एक एक दो दो इंची दोस्तों जगह होनी चाहिए, जिससे ये ऐसी समस्या ना बने आपके साथ। अब मेरे पास वो लेके आया भाई, जितनी दूर से परेशान हुआ, तो अगर वही चीज को देख लेता तो परेशानी नहीं बनती। हमारा मेन क्या है, हम तो सीधा वीडियो बनाने जाते हैं, हमें नहीं पता रहता कि उसमें क्या होना क्या नहीं, बस हम रिपेयर कर देते हैं। हमें ये पक्का पता है कि हम इसे रिपेयर कर देंगे, हमें नहीं पता उसमें कोई क्या कारिस्तानी करके लाया, क्या नहीं हो के लाया। हमारा काम है वीडियो बनाने का। अब देखिए यहाँ पे अलग ही दिख रहा है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पे जैसे ही पीसीबी को मैं ऐसे रख रहा हूँ, या जो जिसके में पीसीबी है, जिसने बनाया होगा, ऐसे रख रहा हूँ, तो ये दो पिन आपस में टच हो जा रही होंगी। अब ये पिन ये भी हो सकती है, ये पिन ये भी हो सकती है, तो सप्लाई की पिन आपस में शॉर्ट हो जाने से जब वोल्टेज वहाँ ड्रॉप जाएगी तो सीधी सी बात है, और तो फटेगी फटेगी। तो दोस्तों हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, बिल्कुल परफेक्टली स्पीकर अब काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम दोस्तों।